हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी लर्न क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि डील करेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हुआ है किसी रजिस्टर या कंडक्टर में, तो वो वैल्यू एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये क्या शो करता है, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का एच से क्या कंक्लूजन हो सकता है। और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम रिलेशन एच इक्वल टू आई स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर चुका है, इसका वीडियो आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लेंगे और नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में क्या होता है, जो H है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई स्क्वायर। इसका मींस ये जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो आपका किसी कंडक्टर का जो हीट प्रोड्यूस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर के, यानी करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यानी कि अगर करंट हम लोग डबल कर दें तो हम लोगों का जो हीट होगा वो फोर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ टू कर देंगे तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। अगर करेंट हम लोग हाफ कर दें तो हीट क्या होगा, वन फोर्थ, वन बाय टू करेंगे तो वन बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वन बाय फोर्थ हो गया। समझ में आ रहा है, यही कंक्लूजन इससे हम लोग को मिल रहा है कि ये जो रिलेशन दे रहा है करेंट जो हीट है आपका किसी रजिस्टर या कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आई के स्क्वायर। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि जो हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेजिस्टेंस का, यानी कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हीट के प्रोपोर्शन। तो यदि हम लोग रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो आपका हीट भी डबल होगा, अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो ये अभी आपका हाफ होगा, ट्रिपल करेंगे तो ये भी ट्रिपल होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हीट इंक्रीज करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हीट भी इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा सेम रेशियो। समझ में आ रहा है, ये हुआ सेकंड। थर्ड क्या कह रहा है, एच जो प्रोपोर्शन होगा टी के, यानी कि टी क्या है, टाइम है। यदि हम लोग हीटिंग एलिमेंट जो दिया गया है, यानी रजिस्टर जो है हम लोग उसमें अगर यूज करने के टाइम को डबल कर रहे हैं तो आपका हीट भी डबल प्रोड्यूस होगा, यानी सेम एज रेजिस्टेंस का। यानी कि यूजिंग टाइम डबल करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी डबल होगा, अगर यूजिंग टाइम हम लोग हाफ कर रहे हैं तो आपका हीट भी हाफ प्रोड्यूस होगा। यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो रेशियो रहेगा सेम रहेगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा बोथ, यानी कि टाइम इंक्रीज हीट भी इंक्रीज, टाइम डिक्रीज हीट डिक्रीज, यानी कि यूजिंग टाइम पर होता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का यूज हम लोग
प्रेस करने में करते हैं ना कपड़े पर, तो उसमें हम लोग प्लग डाल करके छोड़ देते हैं, प्लग में का स्विच ऑन करते हैं और रख देते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वो जो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन का वो हीट होते जाता है। टाइम लो होता है तो हीट लो होता है, टाइम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी आपका हीट होते जाता है। तो यही थ्री कंक्लूजन है आपका, जो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यही शो कर रहा है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कौन कौन से एप्लीकेशन है तो वो देखिए, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या होता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है आपका वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है किस चीज पर, तो अप्लायंसेस पर, और अप्लायंसेस किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टेंस पर। यानी कि जैसा अप्लायंसेस है वो हीट भी प्रोड्यूस उसी टाइप्स का करता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी हीटिंग अप्लायंसेस का जो रेजिस्टेंस है हाई है लो है मॉडरेट है किस टाइप्स का है वो उस पर हीट आपका डिपेंड करता है। हाँ, वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला जो भी अप्लायंसेस है वो तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, वेरी हाई मीन्स इंसुलेटर हो जाएगा तो वो हीटिंग एलिमेंट नहीं होगा, वो तो इंसुलेटर हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस मॉडरेट होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कहने का मीन्स है कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। यानी कि वो हीटिंग अप्लायंसेस पर डिपेंड करता है, जो भी हमारा अप्लायंसेस है वो हीट प्रोड्यूस करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, टोस्टर एंड एक्सेट्रा। तो ये जो आपका दिया है आपका अप्लायंसेस पर डिपेंड करता है। सेकंड टॉपिक हो गया आपका इलेक्ट्रिक फिलामेंट, सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ बल्ब। इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ बल्ब ये क्या करता है कि ये जो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड। यानी कि इसमें जो यूटिलाइज करेगा वो किस पर करेगा, बल्ब पर, और बल्ब प्रोड्यूस करता है लाइट। यानी जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट है आपका ये जो हीट होता है वो हीट होकर के क्या करता है, ये व्हाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। ये सारा का सारा ये आप लोग का एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, क्योंकि जब हीट होता है तो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। और जो फिलामेंट में यूज करते हैं हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, टंगस्टन जो है वो फिलामेंट का थिन वायर के फॉर्म में यूज करते हैं, और टंगस्टन ही आपका हीट होकर के लाइट को प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है। टंगस्टन वो क्या है, और मेटल है जो कि वो रेजिस्टेंस इसका हाई होता है जिसमें करंट आकर के अपोज करता है और हीट होने लगता है। इसका थर्ड टॉपिक आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये हमारा प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को।
इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, हमारे जितने भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसका प्रोटेक्शन करता है, यानी कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूटिलाइज किया जाता है किस लिए, तो प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं इसलिए फ्यूज का यूज करते हैं इसलिए जितने भी हमारे हाउस होल्ड है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम जो घर में यूज करते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब जब ही इसमें हाई वोल्टेज आता है तो ये हमारा शॉर्ट कर जाता है, यानी ब्रोकन हो जाता है और करंट का फ्लोइंग करना क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग का एप्लीकेशन था हीटिंग इफेक्ट का, ये 3 एप्लीकेशन है जिस पर ये हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। तो आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टोटल थ्योरी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे से लाइव पढ़ेंगे और लाइव में आप लोग का साइड बुक जो दिया है एसएन पेज नंबर 66 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स केम बैक ऑन जूम ऐप, ऑल स्टूडेंट्स केम बैक ऑन जूम ऐप ऑन मंडे योर शेड्यूल टाइम। So today class will be closed. Next class start on Monday. Thanks for watching.